धार पुलिस भले ही बदमाशों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की बात करती हो, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। यही वजह है कि बदमाश आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला कानवन थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने सुने मकान पर धावा बोल दिया। पुलिस थाना कानवन के अंतर्गत शनिवार रात्रि को कानवन थाना से कुछ दूरी पर स्थित महावीर कॉलोनी कानवन में चोरों ने हाथ साफ किए। सुने घरों के ताले तोड़ घर में घुसे चोरों ने नकदी समेत लाखों की कीमत के जेवरात ले गए। सुबह घर वालों को पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित सज्जन भाई ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर पैसा इकट्ठा किया था। वहीं भतीजे नाथूलाल प्रजापति ने बताया कि बदमाश 20,000 रुपए नकदी सहित आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। क्या क्या हुआ? चोरी में चूड़िया गई, 3-4 जोड़ में चूड़िया, दो दो जोड़ रकम, आंवला, कंदोरा। और क्या है इसके अलावा? पैसा 50,000 रुपया। रात को चोरों ने हाथ साफ किया, चोरी की, क्या ले गए आपके यहाँ से? मंगलसूत्र था मेरा। और क्या ले गए? और मोती थे उसमें 10-12 मोती तो उसमें पीने थे, और 6 मोती रखे थे ऐसे जी, वो ले गए। लगभग कितने की हुई चोरी? चोरी 20-25 के समझो, 20-25 हज़ार की समझो। चोरी हुई है, रकम अलग हो रहा ना? रकम अलग है जी। हम लोग परिवार सहित, परिवार में गर्मी हो गई थी तो गांव हटवा बंदा के रहने वाले हैं, सब परिवार वहीं गया हुआ था पिछले 8 दिनों से। और सुबह खबर मिली कि यहां पर ताले टूट चुके हैं, तो हम लोग सुबह उठकर आए यहां पर, परिवार से देखा तो पूरा घर अस्त व्यस्त मिला हमको। और जो सामान रखा हुआ था तकरीबन 10 तोला के करीबन, तो सोना था 5-6 लाख के करीबन का, नगद था 40,000 रुपये, और कुछ कपड़े वगैरह भी थे। पूरा अस्त मिला, सब गायब प्राइस में। सुबह देखा तो पुलिस में रिपोर्ट करी, हम लोग आए 8 बजे करीबन, 9 बजे रिपोर्ट करी, 10 के समथिंग पुलिस आई। अभी कार्रवाई कर रही है, देखें क्या होता है उसमें। कानून में और भी कई जगह ताले टूटे ऐसी खबर लगी है, देखते हैं आगे क्या होता है फिर उसमें। ये मेरी काकी का, और उनकी करीबन 8-10 दिन से तबीयत खराब थी, इलाज कराने के लिए वो मेरे घर पे आए थे। आज रात भी वो मेरे घर पर रुके हुए थे, और सुबह पता लगा करीबन 9 बजे के आसपास कि काकी के मकान में चोरी हो गई। हम सब लोग आए यहाँ पे, काकी को लेके भी आए, यहाँ पर देखा कि उनका पुराने समय का कंदोरा तकरीबन 500 ग्राम, और उनके जो विधवा पेंशन के रुपए जो इकट्ठे किए थे उन्होंने 20,000 के आसपास, थे वो चोरों ने हाथ साफ किए हैं। और बाकी के जो है, छोटी वाली जो काकी है, वो आने के बाद पता लगा कि और क्या क्या सामान था। थाने में अपने अभी तक एफआईआर दर्ज करवाई? हाँ, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आई है और अभी करना है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान का मुआयना करने के साथ अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज कानून क्षेत्रों में लोगों ने, चोरों ने सैकड़ों जगह हाथ साफ किया, क्या कहना है? नहीं, आज रात को जो है करीब सैकड़ों जगह तो नहीं, 5-6 जगह जो है चोरी की वारदात घटी है, जिसमें जितेंद्र सिंह और प्रजापति जी के यहाँ से जो है नकदी और कुछ जेवरात चोरी गए हैं। बस स्टैंड पर भी घरों में ताले तोड़े हैं, और हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए हैं, और मौके पर अभी जांच कर रहे हैं, डॉक्टर स्कॉट आया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, और प्रकरण पंजीबद्ध कर रजिस्टर किया गया। फिलहाल देखना होगा कि चोरी की घटना के बाद जहां पूरे गांव में दहशत देखी जा रही है, वहीं अब पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। बदनावर से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट।